हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, रिसेंटली ट्रेन 18 यानी हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस के सक्सेसफुल ट्रायल रन्स हुए हैं, जिसका मैंने वाराणसी अराइवल का वीडियो आप सबके साथ शेयर किया था। दोस्तों, उस वीडियो को देखने के बाद कई सारे लोगों के मन में सवाल आया, क्या ट्रेन 18 सामने से ऐसे ही ओपन रहेगी? क्या ट्रेन 18 के एरोडायनेमिक लुक के सिवाय ट्रेन को ये लुक दिया गया है? तो दोस्तों, आज का ये वीडियो इसलिए है ताकि मैं आप लोग को बता सकूं कि ट्रेन 18 आगे से ट्रायल रन्स में क्यों ओपन की गई है। तो चलिए दोस्तों, पहले जानते हैं हमारी ट्रेन 18 यानी हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में। दोस्तों, हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस एक हाई स्पीड ट्रेन है जिसे हाई स्पीड में चलने के लिए बनाया गया है और इसके लिए इसे एरोडायनेमिक लुक दिया गया है। फ्रंट और बैक में एरोडायनेमिक लुक होने के कारण ट्रेन में आगे कपलिंग स्पेस नहीं बनी हुई है, जिसे इसके एरोडायनेमिक शेप के अंदर बनाया गया है। किसी भी दो लोको को आपस में कनेक्ट करने के लिए या लोको और ट्रेन को कनेक्ट करने के लिए कपलिंग होती है, और हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस के एरोडायनेमिक शेप होने के कारण ये कपलिंग ट्रेन में आगे की तरफ नहीं दी गई है और इसे इसके एरोडायनेमिक शेप के भीतर रखा गया है। दोस्तों, ऐसा इसलिए किया गया है और इसे ट्रायल रन्स में इसलिए ओपन रखा गया है क्योंकि अगर जरूरत पड़ने पर ट्रेन में कोई प्रॉब्लम आती है रास्ते में, तो इसमें एक सेपरेट लोको कपल करके इसको एक सेफेस्ट स्टेशन या नियर बाई बड़े स्टेशन में पहुंचाया जा सके। अगर ट्रेन का एरोडायनेमिक शेप ना निकाला जाता तो इसमें आगे या पीछे की ओर कहीं भी लोकोमोटिव कनेक्ट नहीं किया जा सकता है। ट्रेन का जो एरोडायनेमिक स्ट्रक्चर है उसे ट्रेन के भीतर ही रखा गया है ताकि जरूरत पड़ने के टाइम पर उस शेप को वापस लगाया जा सके। दोस्तों, अगर बात की जाए फ्यूचर की और हमें वंदे भारत जैसी दो ट्रेनों को आपस में जोड़ना पड़े, तो भी ये एरोडायनेमिक शेप ऐसे ही निकाल दिया जाएगा ताकि दो ट्रेनों को आपस में जोड़ा जा सके। तो दोस्तों, मैं आप लोग को ये बताना चाहूँगा कि जो हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस है फ्यूचर में अपने परफेक्ट शेप में, अपने एरोडायनेमिक लुक में ही चला करेगी। इसको आगे और पीछे से ओपन इसके ट्रायल रन्स में ही रखा गया है ताकि आने वाली प्रॉब्लम्स को ईजिली फेस किया जा सके। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आप लोग और किन टॉपिक्स में वीडियो देखना चाहेंगे मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके ज़रूर बताइए। हम आने वाले वीडियोस में ऐसे ही फिर मिलते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको ऐसी लेटेस्ट वीडियोज़ मिलती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।